साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के इंट्रोडक्शन क्लास पहले पार्ट में हम आपको सिखाएंगे साधारण ब्याज क्या है, मूलधन हम किसको बोलेंगे, इसमें समय किसको बोलेंगे, दर किसको बोलेंगे, मिश्रधन किसको बोलेंगे, साधारण ब्याज किसको बोलेंगे। सबसे पहले इस बिंदुओं को समझते हैं, फिर कैसे इससे रिलेटेड सूत्र होगा, फिर इनसे संबंधित चीजों को हम सिखाएंगे। तो आइए हमारे वीडियो के साथ, उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे, जिनसे आप किन्हें कैसे मानेंगे उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले मूलधन पर समझते हैं। मूलधन किसको बोलते हैं, जिस अमाउंट की चर्चा की जाए मेन धन, उसे हम क्या बोलेंगे, मूलधन। या कोई राशि, जितना राशि किसी से उधार दिया जाए, किसी को काम करने के लिए, मान लो हमें जरूरत है किसी से मोबाइल खरीदना है, तो उससे मान लो लिए, जितना रुपया लिए, या 5,000 या 10,000 20,000, उस राशि को हम क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। अब किसी आदमी को देंगे वो तो सिंपल वे में हमें नहीं देगा, वो बोलेगा कि हम कुछ क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। जो हम 5,000 दिए, इस उसके साथ हम क्या लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, कुछ अधिक लेंगे। कहने का तात्पर्य, जितना मेन राशि था उससे जो भी राशि हमें अधिक देना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और इनसे जुड़ी बातें हैं कि जितना हर टाइम के लिए साधारण ब्याज जो है सेम होगा, जितना एक महीना के लिए होगा वो दूसरे महीना के लिए, तीसरे महीना के लिए, चौथे महीना के लिए, या पहले साल के लिए जितना साधारण ब्याज होगा दूसरे साल के लिए भी उतना होगा, तीसरे साल के लिए भी उतना होगा। कहने का तात्पर्य है, साधारण ब्याज हर टाइम के लिए सेम होता है। आगे कहानी है समय का। समय जो हमारा रहेगा ये किस किस चीज में रह सकता है, ये वर्ष में रहेगा, महीना में रहेगा और दिन में रहेगा। जैसे किसी प्रश्न में वर्ष में, समय में और दिन का बात होगा, हम कंफर्म कर देंगे ये मेरा क्या है, समय है। समय किसको हम बोले, कोई राशि हमें दिया कि आपको काम करना है, उसको हम 5 वर्ष के बाद लौटा है, 2 वर्ष के बाद लौटा है, यह जो टाइम पीरियड का लगा इसी को हम क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। अब दर, किस रेट से कोई आदमी पैसा दिया, मान लिया 5% बोला, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत में जो रहेगा उसको हम समझेंगे दर। 5% का मतलब हर एक 100 में 5, यदि हम 500 रुपया लिए हैं और वो बोला 5% के हिसाब से हम देंगे आपको, इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा देंगे, तो हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, 25 रुपया पड़ेगा। कैसे, 5% मतलब हर एक 100 में 5 रुपया, तो 500 रुपया लेते कितना, 25 रुपया देना पड़ता। यदि 1,000 लेते तो कितना, 10 × 5 = 50। ठीक है, अब बात करेंगे हम मिश्र धन का। मिश्र धन किसको बोलेंगे, मेन धन मतलब मूलधन, मूलधन के साथ जो हम एक्स्ट्रा दिए, मतलब साधारण ब्याज, जितना राशि हम दोनों लिए थे किसी आदमी से और जितना राशि हम एक्स्ट्रा दिए, दोनों को कंबाइंड रूप को ही हम क्या बोले, इसी को नाम दिए हम क्या, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन क्या हुआ, हम किसी आदमी से जितना अमाउंट हम लिए काम करने के लिए, उसके एवज में हम जितना राशि उसको टोटल इंक्लूड करके लौटाए, उस राशि को हम बोले मिश्र धन। किसको बोले, जितना राशि हम लिए थे उससे जितना अधिक दिए, टोटल राशि हमको जितना लौटाना पड़ा, इस एवज में उसको हम बोलेंगे मिश्र धन। और साधारण ब्याज क्या हुआ, जितना हम राशि लिए थे, जितना लौटाए, जितना अधिक अमाउंट हमको देना पड़ा उस एवज में काम करने के लिए, उसको हम क्या बोले, साधारण ब्याज। अब हम चलते हैं इससे संबंधित सूत्र क्या क्या हमको देखना होगा उस पर चर्चा कर। एक सूत्र ही याद रखेंगे और मेरा काफी सूत्र बनते चलेगा। कैसे, बोला कि हम लोग शुरू में ही पढ़े थे क्या, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र, यदि हमको मूलधन निकालना है तो हम क्या करेंगे, बोला कि मूलधन यदि आपको निकालना है तो क्या कीजिए, ये दोनों को इधर कर दीजिए, इसका मतलब कि क्या, साधारण ब्याज गुना 100 बटे क्या, समय गुना दर ना। तीसरा सूत्र, यदि दर का पूछे तो बोला क्या कीजिए, मात्र 3 चीज, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना क्या, समय।
चौथा सूत्र इसी से क्या निकला, समय। क्या क्या, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे उस चीज को हम देखते हैं। मेरे पास अभी मात्र तीन चीज आया था, मूलधन, समय और क्या आया था, दर आया था। तो क्या बोला, यदि साधारण ब्याज का सूत्र करना है तो तीनों को गुना कर दीजिए और 100 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब बोला मूलधन का यदि सूत्र पूछेगा तो बोला कुछ नहीं, ब्याज गुना 100 बटे एक चीज मूलधन हो गया। यहाँ तीन बात था, मूलधन, समय और दर। यदि मूलधन पूछा तो ये दोनों जो बच गया उसको भाग दे दीजिए, यदि दर पूछेगा तो ब्याज गुना 100 ये दर हो गया तो ये दोनों से भाग दे दीजिए, मूलधन गुना समय। यदि समय पूछेगा इसके बारे में पूछेगा तो ब्याज गुना 100 बटे ये दोनों को नीचे भेज दीजिए और आपका सूत्र हो गया। उम्मीद है सूत्र आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। हम चलते हैं अगला सूत्र, हम देखते हैं क्या है। आगे हम बताए थे कि मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, जितना मूलधन किसी से हम लिए थे और साधारण ब्याज दोनों को जोड़ करके। अब इसी से बनेगा क्या, बोलेगा यदि मूलधन पूछेगा, यदि मूलधन का मान पूछेगा जिसको बोलेंगे तुम उधर चल जाओ, यहाँ मिश्र धन पहले से था माइनस साधारण क्या ब्याज। सातवां सूत्र इसी से बन सकता है, किसका, साधारण ब्याज का। क्या बोलेगा, साधारण ब्याज का थी, मूलधन का हम बोलेंगे तुम उधर चले जाओ, इसका मतलब क्या, मिश्र धन माइनस क्या मूलधन। ठीक है, एक सूत्र से ही तीनों बना। आगे मेरा सूत्र है यदि मूलधन बराबर पूछेगा तो ये भी सूत्र होता है क्या, मिश्र धन गुना 100 बटे 100 गुना समय गुना दर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यहां तक लिखें उसके बाद आगे देखते हैं। ये बहुत जरूरी है, यदि साधारण ब्याज का बात होगा तो बोला कि समय गुना दर को यदि प्रतिशत कर दीजिए तो वही आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। इसका बहुत जगह उपयोग में आएगा। क्या, यदि साधारण ब्याज को प्रतिशत में चेंज करना है केवल समय को और दर को गुना कर दीजिए, परसेंटेज डाल दीजिए और आपका हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साधारण ब्याज का। यदि मूलधन का बात आएगा तो मूलधन को हम 100% मानेंगे, मतलब कि फुल ना, इस सूत्र का काफी उपयोग आएगा। अब हम चलते हैं कि तिमाही, चौथाई और अर्धवार्षिक क्या होता है, इस चीज को हम देखते हैं। अर्धवार्षिक में हम क्या क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। मान लिया समय का बात होगा एक साल का, हम बताए थे साधारण ब्याज जो होगा हर टाइम के लिए क्या होगा, सेम होगा। अब बोला सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, अर्धवार्षिक का। अर्धवार्षिक, अर्ध मतलब आधा, वार्षिक मतलब साल, साल का आधा मतलब कि 6 महीना यहाँ हो गया, 6 महीना यहाँ हो गया। अब कहानी क्या था, ये दो पार्ट में चेंज हो गया। यदि समय एक वर्ष होगा इसको हम दो पार्ट में बांध लिखे तो कितना लिखना है, दो लिखना है। इसका मतलब समय को हम क्या कर दिए, दो से गुना कर दिए। और दर यदि यही रहता कि 30% है तो बोला हर टाइम के लिए क्या था, सेम था। जब सेम था पूरा साल के लिए, बोला बंटवारा हो गया, इधर भाग 15 इधर भाग 15, तो क्या बोला, तो 15 कब होगा, जब इसको 2 से भाग देंगे। इसका मतलब दर को क्या करना है, 2 से भाग देना है। हम क्या क्या सीखे यहाँ तक एक बार फिर से देखते हैं। क्या सीखे कि अर्धवार्षिक का यदि समय दिया रहेगा, समय को क्या किए, 2 से गुना कर दिए और दर को 2 से क्या कर दिए, भाग कर दिए, हम सिखाए भी। अब बात होगा तिमाही का, तिमाही मतलब हर एक 3 महीना में। अब एक साल का यदि बात हो रहा था, एक साल का, बोला हर एक 3 महीना में हम पैसा लेंगे, तो ये क्या टुकड़ा हो गया, 1, 2, 3, 4 टुकड़ा। इसका मतलब समय जो एक साल था वो 4 से क्या हो गया, 4 खंड में बट गया। इसका मतलब क्या, 4 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब बोला यदि दर रहता मान लिया 20% पूरा टाइम के लिए 20%, तो 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, तो क्या करना पड़ा, 4 से भाग देना पड़ा। इसका मतलब कि समय को जो है 4 से क्या करना पड़ा, गुना करना पड़ा और दर को 4 से क्या करना पड़ा।
भाग देना पड़ा। यही यदि चौथाई रहता इसका मतलब हर एक चार चार महीना में, तो एक साल का यदि बात होता तो चार महीना यहाँ, चार महीना यहाँ, चार महीना यहाँ, तो टाइम को क्या किया, तीन खंड में एक साल को ही बांट दिया, तो तीन से गुना कर दिया और दर को तीन से क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब इसी में किसी किसी को सस्पिशन होगा तो क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल वे में यदि अर्धवार्षिक मतलब कि छह छह महीना का बात होगा तो बारह कब पूरेगा, जब दो से गुना करेंगे या दो से भाग करेंगे, तो समय के साथ ध्यान रखना है, गुना हो जाएगा और दर के साथ क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो अर्धवार्षिक मतलब कि छह छह महीना में तो बारह कब पूरेगा, जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दो से गुना, इसको दो से भाग। तिमाही मतलब कितना, तीन का बात हो रहा था तो बारह कब पूरेगा, जब चार का जरूरी पड़ेगा, इसको चार से गुना, इसको चार से भाग। अब चौथाई, चौथाई मतलब चार तो बारह कब पूरेगा, तो तीन का बात होगा तो इसको तीन से गुना, इसको तीन से भाग। उम्मीद है कि साधारण ब्याज का इतना सारा चीज आपको समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ प्रश्न को कराएंगे जो बैंकिंग, रेलवे और एसएससी में पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक दोस्तों को हम चाहेंगे कि शेयर करें, और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिनसे आपके लिए और अधिक वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। इसके नेक्स्ट सीरीज में इनके संबंधित प्रश्नों से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें।